हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने चैनल किडो केयर में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोसाइटी को कुछ भ्रम ने बहुत ज़बरदस्त टाइप से ग्रिप कर रखा है, तो आखिर कैसे इस ग्रिप से सोसाइटी को निकाला जाए। तो मैं टाइम टू टाइम, आपने देखा होगा, टाइम टू टाइम, डे टू डे मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर ज़रूर आता हूँ आपके सामने, कुछ न्यू थ्योरीज के साथ एंड कुछ फैक्ट्स के साथ, जिससे कि सोसाइटी का भ्रम टूट सके। जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, आदम जमाने से चली आ रही हैं, कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, ऑल साइंटिफिक डेटास के साथ मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, ताकि आपकी भी आंखें खुल सके। तो आज का जो हमारा ये सेशन है हनी को लेकर, हनी इन न्यूबॉर्न्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, शहद। क्या न्यूबॉर्न को शहद चटाना चाहिए या नहीं? अगर चटाना है, अगर खिलाना है, अगर पिलाना है, तो किस एज के बाद पिलाना सही होगा, और हनी से क्या गलत हो सकता है बच्चों के साथ। तो आज मैं इस भ्रम को तोड़ने जा रहा हूँ। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल में। मैं डॉक्टर अनुराग आपका स्वागत करता हूँ एंड न्यू व्यूअर्स को एडवाइस भी करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको भी अपडेट्स मिलता रहे। हनी, शहद, हनी या शहद जिसको बोलते हैं, आज मुझे इसके बारे में बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में ये हनी पाई जाती है। बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, छोटे हों, इवन न्यूबॉर्न बेबीज़ हों, सभी को शहद दिया जाता है। किसी न किसी रूप में शहद हर घर में यूज़ किया जाता है। बट आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ आपको इस हनी के बारे में। तो शहद ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो अराउंड 300 वैरायटीज का होता है। ये एक नेचुरल फूड प्रोडक्ट है, ये किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी बड़े बड़े मशीनों से बनाया नहीं जाता है, ये एक नेचुरल फूड प्रोडक्ट है। तो कहाँ से आया ये हनी? तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर को हनी बीज कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्ट करने के बाद अपने सलीवा के साथ मिक्स कर उसे हनी कॉम में छोड़ते हैं, एंड आप देखते हो सीजन टू सीजन फिर इसे निकाल लिया जाता है, एंड यहाँ से प्रोसेसिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में, एंड मार्केट तक इनको पहुँचाया जाता है। तो कुल मिलाकर हनी की वराइटीज़ क्यों है? तो हनी का वराइटीज़ इसलिए है क्योंकि वराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स भी तो डिफरेंट हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो जो हनी भी जिस फ्लावर के नेक्टर को हनीकॉम में रखेगा, वैसा हनी प्रोड्यूस होगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि प्रोडक्ट चाहे कितनी भी हो, हमें देखना है कि हनी से बच्चों में क्या होने जा रहा है। खासकर मैं न्यूनेटल एज की बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूनेट्स में क्या होने जा रहा है। हर घर की कहानी है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, सबसे पहले पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हनी चटाते हैं। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो मुंह में जाए या ना जाए, वो बच्चा पिए या ना पिए, कोई मतलब नहीं है, हनी को तो पिलाना ही पिलाना है। दूसरे फैमिलीज की अगर बात करें तो उनका मानना है कि जब बच्चा 6 दिन का हो जाए तो 6ठी वाले दिन उनको हनी चटाया जाता है, उनको हनी पिलाया जाता है। कुछ फैमिलीज़ में देखा जाए, जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, जब बच्चे 6 महीने 8 महीने के होने लगते हैं, जिस समय टीदिंग का समय होता है, उस समय फिर इनको हनी चटाया जाता है, इनके मसूरों पे हनी को रगड़ दिया जाता है। कहना ये है कि दांत इससे जल्दी आ जाएगा। तो ये कुछ प्रकार हैं जो हनी को यूज़ किया जाता है बच्चों में। अब जान लें इस बात को कि आखिर बच्चों में 1 साल से पहले हनी को क्यों नहीं देना चाहिए। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, हनी 1 साल से पहले बच्चों को नहीं देना चाहिए। नहीं का मतलब होता है नहीं, NO इज इक्वल टू नो। क्यों? क्योंकि हनी से प्रोड्यूस होता है बॉट्यूलिज्म, इन्फेंटाइल बॉट्यूलिज्म। तो क्या है ये इन्फेंटाइल बॉट्यूलिज्म? आइए चलिए देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बॉट्यूलिज्म 4 तरीके का होता है, फूडबॉर्न हो सकता है, इनहेलेशनल हो सकता है, उंड से हो सकता है, एंड इन्फेंट हो सकता है। तो ये जो इन्फेंटाइल बॉटलिज्म है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का बॉटलिज्म है जो 1 साल से नीचे वाले एज ग्रुप में ही मिलता है। कॉजेस की अगर बात करें तो ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्रोटुलिनम से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो जनरली ट्रांसमिट ये होता है सॉयल से या हनी से, यस, शहद से या सॉयल से। ये स्पोर्स के रूप में इसका ट्रांसमिशन होता है। होता क्या है, मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये स्पोर्स जब इंटेस्टाइन में जाकर कलेक्ट होता है
तो इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर क्लॉस्ट्रिडियम बॉटलिनम इनका ग्रोथ एंड इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन में। और एक बार ये बैक्टीरिया इस्टैब्लिश हो गया आपके इंटेस्टाइन में तो ये एक खास तरीके का टॉक्सिन जिसको न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये क्या करने जा रहा है पता है आपको? आपको अंदाजा भी नहीं होगा ये क्या करने जा रहा है। ये आपके नर्व्स को अफेक्ट करने जा रहा है एंड एक बार अगर नर्व्स का अफेक्शन हो गया तो धीरे 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 फिर पैरालिसिस में ये तब्दील हो जाएगा। एंड पैरालिसिस में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 12 से 24 घंटे, बहुत रैपिड प्रोग्रेशन होता है इसका। तो क्लिनिकली अगर देखा जाए तो बच्चे को पहले तो स्वालोइंग में डिफिकल्टी होगी, बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब है कि वो स्टूल पास ही नहीं कर पाते हैं। ड्रूलिंग, सलाइवा यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। बच्चे को चीविंग मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, लिम्स मूव नहीं कर पाएंगे हाथ में एंड पैरों का। आप मूवमेंट देखोगे तो बहुत धीमा धीमा मूवमेंट हो जाएगा, चाह कर भी मूव नहीं कर पाएंगे, ट्रंक से वो बैठ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर बच्चे चलने वाले हो चुके हैं तो वो चल भी नहीं पाते हैं ऐसे कंडीशन में। धीरे 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 करके वो फ्लॉपी इन्फेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप अगर हाथ को यूँ उठा दो एंड छोड़ दो तो यूँ ऐसे गिर जाएगा, इस हाथ को उठाकर आप छोड़ दो तो यूँ ऐसे गिर जाएगा, ऐसा लगेगा कि बॉडी में जान ही नहीं है। तो ये एक पैरालिसिस का रूप ले लेता है। प्लस अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर इन्वॉल्व हो गए तो सांस लेने में सबसे पहले तकलीफ हो जाएगी। सांस बहुत खींच खींच कर बच्चे लेंगे क्योंकि वो अंदर खींच ही नहीं पाते हैं एयर को, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है एयर को, ऑक्सीजन को अंदर लेने में। और एक समय ऐसा आएगा जब ये रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाएंगे एंड फाइनली इन बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो ये होता है इस बॉटुलिज्म में। तो आपने देखा बॉटुलिज्म कितना डेंजरस हो सकता है एक बच्चे में, और ये इन्फेंटाइल बॉटुलिज्म 1 साल से नीचे वाले बच्चों को ही अफेक्ट करता है, जनरली 1 साल से ऊपर ये देखा नहीं गया है। तो जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, जब आपने देख लिया कि ये कैसे होता है तो आप इसको प्रिवेंट ईजिली कर सकते हो। तो प्रिवेंट कैसे करना है? ऑफकोर्स हनी नहीं पिलाना है, हनी नहीं चटाना है, चाहे वो बेबी 1 दिन का हो, वो 6 दिन का हो, 6 महीने का हो या साल भर का हो। तो आज से आप लोग इस बात के लिए प्रॉमिस करें कि आप अपने बच्चे को 1 साल तक हनी नहीं देंगे, किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी रूप में। रह गई बात जहां तक ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट मॉडलिटी में अगर आप देखो तो जस्ट एक ही इसका उपाय है, दैट इज बॉटुलिनम इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि इंट्रावेनसली दी जाती है एंड ये हर मार्केट में, हर केमिस्ट में, ग्लोबली भी अगर आप बात करो तो ये अवेलेबल नहीं है, बहुत ही फ्यू सेंटर्स पे अवेलेबल होता है। तो आप मानकर चलें अगर आपके बेबी को एक बार बॉटुलिज्म हो गया एंड बिल्कुल इमीडिएटली अर्लीस्ट आपने अगर इसे डायग्नोज नहीं किया एंड ये इंट्रावेनसली आपने नहीं दिया तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से बोला जाता है कि हनी को 1 साल के पहले यूज़ ना करें बच्चों में। रह गई इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरी हो या मन में क्वेश्चन हो, कोई भी शंका हो, हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको हर बार की तरह आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।